अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फेरी आइडियाज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो प्लेट वाली शलवार है यानी बेल्ट वाली शलवार की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो कि आपकी जो तरीज है मतलब जो साइड की हमारी बड़ी प्लेट होती है उसका कोई भी इशू आपके लिए नहीं होगा, यहाँ तक कि वो प्लेट आपकी एग्जैक्ट जगह पर रहेगी, आपको उसको बार बार ऐसे खींच के आगे की तरफ नहीं लाना पड़ेगा। ये मेथड बहुत आसान है, बस कुछ इसमें पॉइंट्स हैं ऐसे, उनको आपने नोट डाउन करना है और बाकी सारा जो प्रोसीजर है शलवार का वो सेम ही है। तो चलते हैं जो वीडियो की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो कपड़ा है शलवार के लिए वो 2.5 मीटर का कपड़ा है। 2.5 मीटर अमूमन शलवारें जो है, अदरवाइज आपको 2 मीटर की भी शलवारें आजकल दी जा रही है, लेकिन मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है 2.5 मीटर का। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे वो जी मेरे पास है 18 इंच। इसके बीच में थोड़ा सा मैंने इस शलवार को लूज करना है और लूज करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है वो कलियां डालनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी टेबल पर, किसी फर्श पर या किसी और जगह पे रख के कटिंग कर रहे हैं तो आप अपने जो घेर को इस तरह से मेजर कर सकते हैं। 22 इंच पर मैं ये निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि पैनल कितने इंच का डलेगा। यहाँ से जी आप जो हमें बेल्ट के बगैर आसन चाहिए होती है वो आसन में रख रही हूँ 10 इंच पर, और ये हमारा निशान है जो हमें पैनिंग चाहिए। 10 इंच की मैंने आसन रखी है। अच्छा, जो अब ट्रिक है उसको हमने ये करना है कि आपकी जो प्लेट है वो हिले नहीं, आपकी जो बड़ी प्लेट है शलवार की वो एग्जैक्ट जगह पर रहे। उसके लिए ये तरीका हमने करना है कि हम इस जो इसकी यहां से जहां से बड़ी प्लेट डलती है, बंद हिस्से से हमारी बड़ी प्लेट डलती है, वहां से जी मैं 3 इंच नीचे की तरफ निशान ले रही हूँ। 3 इंच नीचे की तरफ निशान लेने के बाद यहां से मैं अब अपनी जो लेंथ है वो करूंगी। जैसे कि मुझे 35 तैयार चाहिए शलवार, उसमें हमें 6 इंच का बेल्ट चला जाएगा, तो बीच में हम अगर पांचा भी अपना रखते हैं तो उसके लिए हमें 33 शलवार में कट कर रही हूँ, इसीलिए कि पांचा थोड़ा सा बड़ा रखूंगी, जो चौड़ा पांचा आजकल चल रहा है थोड़ा सा वो पांचा होगा। पांचे का जो साइज है वो भी थोड़ा बड़ा रख रही हूँ, यानी कि 9 इंच का पांचा। अच्छा, ये जो निशान मैंने यहाँ पे लगाया है इसको हमने यहाँ से सीधा नहीं करना, थोड़ा सा डाउन कटिंग करके इस तरह से निशान देना है। ये मेथड आपने ट्राउजर पर भी देखा होगा कि ट्राउजर पर भी आपको ये मेथड ही करना पड़ता है, साइड आपको डाउन करनी पड़ती है और उसके बाद आपको यहां से जो आसन है हमारी वो अप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने शलवार को भी यही किया है। अब ये लेंथ हमने एक्यूरेट कर ली जो हमें चाहिए थी। 3 इंच डाउन करने के बाद, यहां से 3 इंच डाउन करने के बाद आपने अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ के बाद डाउन नहीं करना वरना लेंथ छोटी हो जाएगी। यहां से जो पांचा हमने फोल्ड करना है वो आप फोल्ड कर लें ताकि फोल्डिंग के बाद हम जब पांचे की कटिंग करें तो वो हमारे पास पांचा यहाँ से तिरछा कटिंग हो, और जब हम पांचे की सिलाई करें या पांचे को हम बनाएं तो वो एक्यूरेट हो हमारे पास। 30 इंच हमारे पास तैयार आना चाहिए, जिसमें हमें 35 अगर तैयार रखनी है तो 5 इंच का बेल्ट डलेगा, 6 तैयार रखनी है तो 6 इंच का बेल्ट डलेगा। 3 इंच पांचा मैं ऊपर की तरफ कर रही हूं। अगेन आपने पांचा आप जितने इंच का रखना है, मैं इसको 9 इंच का रख रही हूँ। दोबारा से खुले पांचों वाली शलवारें जरा इन है, तो यहां से जी 9 इंच का पांचा रखने के बाद आपने इसको इसके साथ मिलाना है जो हमने एक हिसाब रखा हुआ है उसके साथ। यहां से जी हमने 9 इंच का जो वो निशान है वो लगा लिया है। अब स्केल की मदद से हम अपना कर्व बना लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक वो तिरछी लाइन जो होती है वो भी जो ट्राउजर की शेप, शलवार की शेप होती है उसको खराब करती है, इसलिए मैं स्केल की मदद से थोड़ा सा कर्व बनाऊंगी। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे जाके हमारे पास कर्व आ गया। और जितना मतलब आप अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रखेंगे
तो ये आपकी लाइन जो शलवार है उसमें खिंच भी पड़ेगी और उसके अलावा आपको कंफर्टेबल नहीं होगी। यहाँ से जी आपने फिर एक बार नोट करना है कि 3 इंच नीचे डाउन करके आपने फिर लेंथ लेनी है, वरना फिर आपकी ये खराब हो जाएगी शलवार, यानी कि छोटी हो जाएगी। उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। जब भी आपको यहाँ पे कलियां वगैरह डालनी होती हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा यहाँ पे इधर आके स्टॉप करना होता है, उधर आपने मार्जिन नहीं रखना होता। अब ये जो पीस था इसी को मैं कलियों में करूंगी। अच्छा, एक चीज आप नोट डाउन करें कि जब भी आपने कलियां बनानी है या कटिंग कोई भी ऐसी करनी है, तो उसमें आप ये जो साइडों पे किनारियां होती है ना कपड़े की, इसको कट कर लिया करें। इसकी मदद से आपके कपड़े की जो सिलाइयां है वो नीट भी नहीं होती। ये बिल्कुल हमारे पास पूरा पूरा है, इसलिए हम इसको कटिंग और स्टिचिंग में एक चीज जो है उसको भी आप जरूर मद्देनजर रखा करें कि आप उसको कपड़े को भी बचाने की कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका कपड़ा भी बचे और आपका काम भी हो जाए। यहां से भी कटिंग कर लेते हैं। ये जो मैं आपको टेबल पे या किसी चीज पे निशान लगाने का बताती हूँ, उसकी मदद से ये होता है कि ये कलियां डालने में बहुत आसानी हो जाती है। अब आप देखिएगा कि जब हम ये प्लेट डालेंगे तो ये प्लेट हमारी यहां से इधर को डलेगी, यानी हमें ऊपर से बराबर करना है। ऊपर से जब हम बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कली जो प्लेट है वो आगे की तरफ आ जाएगी। अभी मशीन पर चलते हैं, मैं ये कलियां जोड़ लेती हूँ जैसे नॉर्मल जोड़ी जाती हैं, फिर प्लेट डालूंगी और आपको बताऊंगी। अभी कटिंग करते हैं बेल्ट की। बेल्ट हमें 22 इंच तैयार चाहिए, तो उस हिसाब से हम मेजर कर लेते हैं। चेंज बेल्ट तैयार। और यहाँ पे उसके अलावा जो ऊपर इलास्टिक की गुंजाइश है वो मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। टोटल 7.5 इंच का बेल्ट काटूंगी। 22 इंच हमें बेल्ट तैयार चाहिए, 23.5 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। शलवार की जो सारी कलियां वगैरह थी वो मैंने सारी जोड़ ली हैं। अब इसके बाद बारी आती है बड़ी प्लेट की। तो वैसे अमूमन 2.5 इंच 2 इंच की प्लेट डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अभी इसमें जो बड़ी प्लेट डाल रही हूँ वो मैं 3.5 इंच की डाल रही हूँ। दोनों तरफ से 3.5-3 इंचेस की हमारी ये जो बड़ी प्लेट है ये डलेगी, और उसके बाद बीच में वही छोटी प्लेट डलेगी। उसको इससे हम फोल्ड करेंगे और जस्ट हमने 3 हिस्सों को आपस में अटैच करना है, ये बैक वाले को छोड़ देना है। दोनों साइड पे बड़ी प्लेट्स डालने के बाद आपने फिर बीच में छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। दरमियान की जो आसन की सिलाई है वहां तक सामने वाली प्लेट्स का रुख इस तरफ होगा और इन प्लेट्स का रुख उस तरफ होगा, यानी आमने सामने आपने प्लेट्स डालनी होती है। ये देखिए जी, शलवार तैयार हो चुकी है। मैंने इसका बेल्ट भी बना लिया, इसकी चुनेट्स भी हो गई, बड़ी प्लेट भी डल गई, और वो जो कटिंग की है उसकी वजह से हमारे साइज पे भी कोई अनबैलेंस साइज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं आया। बेल्ट तैयार है, बस इलास्टिक डालनी है। पांचा मैंने इसका ये देखिए जी 9 इंच, और यहाँ से चौड़ा पांचा रखा, और जब चौड़ा पांचा बनता है तो 2 सिलाइयां बहुत है। असल मकसद है इस प्लेट का, प्लेट का दबाव आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आप शलवार को उठाकर भी देखें या इस तरह मैंने रखी है अभी भी, आप देखें कि जो प्लेट का दबाव है वो अंदर की तरफ है। जब आप इसको पहनेंगे
तो तब भी ये प्लेट आपकी अब कहीं पर भी नहीं हिलेगी। तो ये था आज जी जो प्लेट वाली शलवार है उसकी प्लेट को फ्रंट पे रखने का तरीका। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी मुझे इजाजत हो कीजिए, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।